A very good evening to all of you. I am Shyam sir. गुरुकुल अकेडमी की ओर से आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बहुत सारे बच्चों का डिमांड था कि सर आप बैंक एसएससी का सेशन लेके आते हैं, तो क्यों ना रेलवे और स्टेट लेवल एग्जाम के लिए कुछ लेके आइए। तो कुछ बच्चों ने जो कमेंट बॉक्स में कमेंट किए थे, मैंने उनके अकॉर्डिंग ही आज मैं रेलवे का एग्जाम्स के लिए एक स्पेशल सेशन लेके आया हूँ नंबर सीरीज के ऊपर। अभी एनटीपीसी का एग्जाम अभी होना बाकी है, ठीक, ग्रुप डी का एग्जाम बाकी है रेलवे में, उन सबके लिए मैं एक नया सेशन लेके आया हूँ और वो मेरा स्पेशल सेशन है किसके ऊपर, नंबर सीरीज के ऊपर। अब उस सीरीज को हम लोग आज सॉल्व करेंगे। कल मैंने आपको जो सेशन करवाया था वो कहीं ना कहीं बैंक और एसएससी का सेशन था, आज मेरा रेलवे का स्पेशल सेशन है। तो आप सभी लोगों का वेलकम्स, ठीक है, अगेन एक बार और मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ गुरुकुल अकेडमी की ओर से। आप लोग हमसे जुड़े हैं इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है, आपका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। ठीक, आप रेगुलर बेसिस पे हमारे क्लासेस देख रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, और कमेंट्स भी करते हैं और मैसेज भी आते हैं जिनके थ्रू मुझे पता चलता है कि आप लोग कहीं ना कहीं हम लोगों से बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव हो, ठीक है। दैट्स वाई आज मैंने जो आपके आपकी डिमांड के ऊपर जो सेशन रखा हुआ है वो नंबर सीरीज का सेशन है, और ये सेशन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा क्योंकि इस वाले सेशन में हम लोगों ने उन्हीं क्वेश्चन को इंक्लूड किया है जो कहीं ना कहीं रेलवे के अन्य अपने 10 साल के जो भी एग्जाम्स हुए थे उन एग्जाम में क्वेश्चन को पूछा गया, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं सेशन की, और बहुत ही अच्छा सेशन, मजेदार सेशन आज का होने वाला है। तो फटाफट लिंक को शेयर कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्लियर है, और लाइक तो करना भूले ही नहीं, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं सेशन की एक बहुत ही अच्छे नंबर सीरीज के साथ। आई थिंक मैंने आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ था लास्ट टाइम में उसी क्वेश्चन से मैं शुरुआत करवा रहा हूँ, उस क्वेश्चन को मैंने आपके एसएससी वाले एग्जाम में मैंने सॉल्व करवाया था, ठीक है। ओके, तो शुरुआत करते हैं सेशन की, फटाफट लिंक को शेयर कर दो, ठीक है। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, ठीक है, चलिए ओके। आज जो है आपका यहाँ पे ऑन डिमांड सेशन है, ठीक है। ऑन डिमांड सेशन मतलब क्या है, आप लोगों की, बहुत सारे लोगों की डिमांड थी सर रेलवे के लिए कुछ ना कुछ आप लेके आइए नया, तो रेलवे के लिए आज मैं लेके आया हूँ आपका क्या, नंबर सीरीज में, ठीक है। तो फटाफट आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, मैं आपको 30 सेकंड का टाइमर दे रहा हूँ हर एक क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन की शुरुआत करते देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये रहा, ठीक है, ये मैंने आपको होमवर्क में दिया था, इस क्वेश्चन को छोड़ते मैं सबसे फर्स्ट में इस क्वेश्चन से शुरुआत करवा रहा हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करो, जितना जल्दी हो जाए आप क्वेश्चन को सॉल्व करते चले, ठीक है। चलिए फर्स्ट वाले क्वेश्चन के लिए, ये क्वेश्चन मैंने आपको एसएससी में सॉल्व करवाया था, ये रेलवे में क्वेश्चन है इसलिए आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये रहा आपका टाइमर, और क्वेश्चन के लिए शुरुआत करते हैं, ठीक है। लिंक को शेयर कर दीजिए, फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो, ठीक। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की, और जल्दी से टाइमर एंड होने पर है, फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करो यार। ये क्वेश्चन मैंने अभी हाल ही करवाया था, बहुत जल्दी एक क्लास वाले सेशन में, आई थिंक इसका आपको सभी को आंसर पता हो कि ये वाला आंसर क्या है, इसका करेक्ट है, ठीक। जिन लोगों ने मेरी प्रीवियस क्लास देखी उन लोग पता हो, पर सॉल्व करो चलो, ठीक है। चलो टाइमर एंड होने पर है, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। चलिए देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया, अगर ये 12 है यहाँ पर और ये 2523 है, 53 है, तो यहाँ पर क्या होगा, कहीं ना कहीं इन संख्याओं के बीच में गुणा हो रहा होगा। अब गुणा कितने का हो रहा है वो देख लेते भैया। देखो तो 12 इंटू में अगर मैं 3 करता हूँ, 12 36, माइनस का 3 करोगे तो कितना होगा, 33 हो जाएगा। अब अगेन अगर मैं आगे देखता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ क्या हो रहा है देखो आपका, अगर मैं इसको देखता हूँ तो यहाँ पर कितना होगा, ये 33 99 माइनस 3 करोगे 96 जाएगा। अब अगेन पैटर्न क्या होगा, माइनस 3 ही करोगे, 3 इंटू में माइनस 3। अब फिर अगर इसको और चेक कर लेते हैं तो ये क्या है आपका, यहाँ पे इंटू 3 माइनस का 3 है, तो 3 दूनी 6 6 में 3 गया होगा, तो यहाँ पे 3 ही बचा होगा, ठीक है, क्योंकि लास्ट यूनिट डिजिट से सॉल्व कर रहे हैं इकाई के अंक से। अभी 23 मतलब कितना होगा, 288 माइनस 3 तो 285। तो सॉरी मैंने गलत आंसर मार्क कर दिया था अभी। देखो अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे ये हो जाएगा 285, क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो रहेगा इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। तो थर्ड वाला आंसर जिन लोगों ने भी आंसर किया है उनके लिए एक बार क्लैप हो जाए, ठीक है, थम्स अप से शो कर दो यार, ठीक है, वेरी गुड, क्लियर है, ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर, एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवा चुका हूँ, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ, जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करो। ये रहा आपका टाइमर, स्टार्ट हो गया है, करते चलो फटाफट क्वेश्चन को। जितने से ज्यादा क्वेश्चन आप बनाओगे उतने ही क्या होगा, आपका बेनिफिट होगा। बराबर बनाओ क्वेश्चन, जितना जल्दी आप क्वेश्चन बनाना सीखोगे, पैटर्न तो बहुत सारे हैं यार, पर देखो एग्जाम में 5 क्वेश्चन आते हैं आपके, उसमें 4 क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, 1 क्वेश्चन थोड़ा टफेस्ट होता है,
बराबर, जितने जल्दी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ही क्या होगा आपके लिए बहुत इजीएस्ट होगा। हो गया क्वेश्चन सारे लोगों का? ठीक, चलो तो कुछ शुरुआत करते हैं। अगर आप इसमें देखोगे यहाँ पर तो इनके बीच का डिफरेंस कितना हो गया माइनस का एक, यहाँ पर डिफरेंस देखोगे तो प्लस का कितना हो गया चार, नेक्स्ट में देखोगे तो ये कितना और आपका यहाँ पे माइनस का कितना हो गया छः। ओके देखो 13 में 6 का कितने बजे का 7, तो कितना होगा आपका 27 हो गया यहाँ पर। और यहाँ पर देखोगे तो प्लस का कितना हो रहा है अभी, ये माइनस प्लस का अल्टरनेट है। ओके देखो अगर यहाँ 12 में 6 तो ये 6 बजे का, और यहाँ पर कितना होगा 36 होगा। अब यहाँ पर देख लेते देखो तो इन सभी नंबर पर प्लस माइनस हो रहा है, तो यहाँ पर जो भी नंबर होगा क्या माइनस होगा। ये क्या लिखा आपका, सॉरी देखो अगर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर क्या होगा आपका, ये माइनस होगा। अब आगे अगर आप देखोगे यहाँ पर तो ये एक है और चार, तो इसको क्या लिखूंगा मैं माइनस एक, मतलब एक का क्यूब लिख सकते हो। ये क्या है दो का स्क्वायर, तो ये क्या लिखा आपका तीन का क्यूब, तो ये क्या लिखा आपका यहाँ पे 36 नहीं होगा, यहाँ पे 16 होगा, सो सॉरी। यहाँ पर क्या होगा प्लस का ये कितना हो गया आपका 16, ये क्या होगा आपका चार का स्क्वायर, नेक्स्ट में क्या लिखोगे आप पांच का क्यूब, और पांच का क्यूब कितना होगा 125। क्लियर, देखो एक का क्यूब, दो का स्क्वायर, तीन का क्यूब, चार का स्क्वायर, पांच का क्यूब, 125 माइनस में 172 और माइनस में 125। अब यहाँ पर क्या आएगा देखो कि यहाँ पर एक ऐसी संख्या लिखी गई होगी ठीक है छोटी वाली, जिसमें से अगर आपने 172 को माइनस किया तो आपका आंसर कितना आएगा 125। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो मैं ऐसे लिख दो कि x कोई संख्या होगी उसमें माइनस आपने किया 172, तो आपका आंसर कितना होगा माइनस 125 आया होगा। ठीक है, डायरेक्टली जाओ तब भी कर सकते हो। अब सॉल्व करोगे अगर आप यहाँ पे तो इस 172 को ट्रांसफर करो तो 125, और यहाँ पर क्या होगा आपका ये हो जाएगा प्लस का 172। तो देखो 12 में से आपके 5 गए 7 बचेगा, 7 वाला ऑप्शन कौन सा 47, दैट्स व्हाई यहाँ पर क्या होगा आपका 47 करेक्ट होगा। क्लियर, चार ऑप्शन होते हैं रेलवे में, 5 ऑप्शन बैंक में आते हैं, एसएससी में 4 ऑप्शन होते हैं, 47 क्या रहेगा आपका, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा सारे लोगों। ठीक, जिन लोगों ने आंसर किया है 47 उन सबके लिए क्लियर हो जाए। पढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर। ओके जल्दी जल्दी उड़ाओ यार, टाइमर आपको 30 सेकंड ही दिया गया है, बहुत टाइमर है, जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए। करो करो क्वेश्चन, हो रहा है क्वेश्चन, बनाओ यार जितना जल्दी आप बना सकते। करो क्वेश्चन को, चलो देखो देखो इस संख्या का पैटर्न क्या है आपका यहाँ पे। अगर इस क्वेश्चन को मैं देखता हूँ तो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया आपका, ये दो है, तो ये जो नंबर देख रहे हो आप लोग ये कहीं ना कहीं क्या है आपका यहाँ पे क्यूब के नियर है। ठीक है, ये जो सारे नंबर आपको अगर देख रहे हैं तो ये क्या है आपके क्यूब के पास है। अगर क्यूब के पास है तो मैं इनको क्या लिख सकता हूँ आपका, देखो तो मैंने पहले ही कहा था आपको, तो इसको मैं लिख सकता हूँ आपका एक का क्यूब प्लस का वन, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ आपका यहाँ पे दो का क्यूब प्लस का वन। ठीक है, लिख सकते हैं इसको, तो इसको अगर आप लिखोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये देखो देखो इसको मैं लिख सकता हूँ आपका दो का क्यूब और प्लस का वन, तो क्या लिखोगे आप लोग तीन का क्यूब प्लस का वन, और ये क्या हो जाएगा आपका चार का क्यूब प्लस का वन, ये क्या होगा आपका पांच का क्यूब प्लस का वन, नेक्स्ट क्या होगा आपका छह का क्यूब प्लस का वन। ठीक है, तो छह का क्यूब कितना होता है 216, और एक कितना 217, 217 वन सा ऑप्शन पर थर्ड में बिल्कुल करेक्ट हो गया। तीसरा ऑप्शन क्या है आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। अरे बस समझ सभी को क्लियर है, बहुत अच्छे से क्वेश्चन आया समझने, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, क्लियर है, क्लियर क्लियर। ओके आई थिंक सभी लोग क्लियर है, तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, सॉल्व करो, जितना जल्दी सॉल्व करोगे उतना ही क्या होगा आपका क्वेश्चन जल्दी बनेगा। बनाते चलो यार क्वेश्चन, टाइमर एंड टाइमर स्टार्ट हो गया है आप लोगों के लिए, जल्दी से बनाओ। अच्छा मैथ्स की क्लास होगी आज, मैथ्स की क्लास भी होगी यार, बनाओ बनाओ कितना जल्दी बनाते हो, बनाओ बनाओ। ये क्वेश्चन तो विदाउट पेन और पेपर क्वेश्चन है, जहां तक हो सकता है आप नो पेन और नो पेपर का यूज किया करो मैक्सिमम, अगर आपका एग्जाम क्रैक करना है तो। आरे बस सारे लोगों को ठीक, टाइमर एड हो गया, अब क्वेश्चन देखते देखो।
अब इनसे क्या लग रहा है मुझे यहाँ पे, देखो ये कितना है, एक का 8 गुना है, ये इसका 4 गुना है, और ये इसका कितना है 2 गुना है, ये इसका कितना है आपका 1 गुना है। तो अब इसका कितना होगा 0.5 गुना, 0.5 गुना करोगे तो कितना होगा यहाँ पे 32, और 32 कौन सा ऑप्शन में आपका फोर्थ वाले में, 32 क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई डाउट ठीक है किसी, 8 गुना, 4 गुना, 2 गुना, 1 गुना और 0.5 गुना, ठीक है 0.5। ठीक, सेशन अच्छा लग रहा है, सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक करें आप, और शेयर तो करना भूले ही नहीं, ठीक, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले। चलो फटाफट नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाओ, ठीक, ये रहा आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, इसके लिए टाइम स्टार्ट होता है राइट नाउ। भाई 30 सेकंड का क्वेश्चन नहीं है, नो पेन और पेपर का क्वेश्चन करवा रहे हैं आपको, बस करते चलो, मेरा तो ये कहना है आपसे। बनाओ बनाओ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो और सिंपल क्वेश्चन दिया आपको, करो जल्दी से। बना बनाओ क्वेश्चन, बन रहा सारे लोग इस क्वेश्चन, चलो ठीक है जल्दी जल्दी बनाते चलो, चलो टाइमर एंड करते हैं। अगर इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हो तो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया, यहाँ पर डिफरेंस हो रहा है कितना 29 का, यहाँ पर डिफरेंस कितना आएगा 23 का, यहाँ पर कितने हो रहा है आपका 19 का, और यहाँ पर कितना है आपका 17 का। अब यहाँ पर क्या होगा आपका, अगर ये प्राइम नंबर के अकॉर्डिंग आप चलते हो तो प्राइम नंबर के अकॉर्डिंग अगर आप चलते हो तो यहाँ पर कितना होगा नेक्स्ट में, फिर 13 होगा। अगर मैं यहाँ पर 13 लिखता हूँ तो मेरा ऑप्शन क्या होगा 161, पर 161 क्या है किसी भी ऑप्शन में नहीं, तो ये लॉजिक तो आपका क्या हो गया यहाँ पर है नहीं। अगर ये लॉजिक नहीं है तो नया लॉजिक, न्यू लॉजिक क्या होगा आपका, तो न्यू लॉजिक को और सर्च करते हैं। अब देखो अगर 161 होता तो पक्का आपका यहाँ पे ऑप्शन वही करेक्ट होता है, ये हम लोग मान के चल रहे हैं, पर 161 ऑप्शन में है ही नहीं। अगर 161 नहीं है तो फिर नया लॉजिक क्या देखा है हम लोग, देखो कि नया लॉजिक अगर आप देखते हो तो इनके बीच में डबल डिफरेंस निकालो, यहाँ पर कितने का हो गया 6 का, यहाँ पर कितना हो रहा है आपका 4 का, यहाँ पर कितने का हो रहा है आपका यहाँ पे यहाँ 2 का, क्लियर है आ रहे हो समझ में। तो अब यहाँ पर कितने का आएगा आपका यहाँ पे 0 का, क्लियर है बात सभी को। तो अगर यहाँ पर आप देखने चाहोगे तो यहाँ पर नया लॉजिक क्या होगा आपका यहाँ पे, तो नया लॉजिक की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर कितना 13 नहीं होगा, अब कितना होगा आपका यहाँ पे, तो ये जो नेक्स्ट वाला नंबर होगा आपका कितना होगा आपका 17, क्लियर, 6 4 2 0 तो 17। अब 17 ही फिर से एड करोगे तो कितना हो जाएगा आपका आंसर होगा 165, कौन से ऑप्शन नंबर 3rd में है, क्लियर है सारे लोगों को बात, क्लियर आई थिंक क्लियर हो गई होगी। तो 165 जो है ये क्या है इसके लिए करेक्ट आंसर, ये लॉजिक था इसका। अगर 161 होता इसके आंसर में तो हमारा प्राइम नंबर वाला लॉजिक बिल्कुल ही सही होगा, क्लियर सारे लोगों को, अब तो बिल्कुल ही क्लियर हो गया होगा। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपका ये रहा, ठीक है, ठीक, लास्ट वाला क्वेश्चन सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के लिए। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपका ये रहा, इसके लिए आपका टाइमर स्टार्ट होता है राइट नाउ। ठीक, चलो सॉल्व करो क्वेश्चन को, जल्दी जल्दी बनाओ यार, जितना जल्दी आप क्वेश्चन बनाओगे उतना ही क्या होगा आपका इजीएस्ट रहेगा। ठीक है, बना दे चलो यार क्वेश्चन, फटाफट क्वेश्चन को बनाओ बस। ठीक है, जल्दी करो, क्लियर है, चलो टाइमर एड हो गया है, फटाफट बनाते क्वेश्चन को देखो। ठीक, अब देखो अगर क्वेश्चन को मैं देखता हूँ यहाँ पर, तो क्वेश्चन मुझे क्या दिया गया है, आप क्वेश्चन को क्या देख रहे हो, देखो कि अगर ये संख्या है तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकता, क्यों, क्योंकि ज्यादा आपके यहाँ पे इनके बीच में इसके बीच में ज्यादा डिफरेंस भी नहीं, तो आप लोगों ने यहाँ पे डिफरेंस कैलकुलेट किया तो इधर से डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। तो 25 और 9 तो यहाँ पर कितना हो गया आपका 16, यहाँ पर कैलकुलेट करोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, तो 9 में से 5 गए, यहाँ पर कितने बच गए आपके 4, क्लियर है, यहाँ कितना हो गया 64। आगे सॉल्व और करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका देखो कि 15 है, ठीक है 15 में से 9 गए तो कितने बचेंगे आपके यहाँ पे, 15 में से 9 गए तो यहाँ पे हो गए कितने आपके 7, सॉरी कितने हो गए आपके 15 में से 9 गए तो यहाँ पर कितने बच गए आपके 6, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 34 के बाद ये कितना हो गया 216, ठीक है ओके 256, सारे बस समझे सारे लोगों को, क्लियर है 256 यहाँ पे हो गया। तो अब यहाँ पर क्या होगा नंबर, तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, देखो ये जो नंबर है आपका क्या है आपका 4 का स्क्वायर लिखा है, ये क्या आपका यहाँ पे 4 का क्यूब है, और ये क्या है आपके 4 की पावर 4 है, तो यहाँ पे नेक्स्ट में कितना होगा 4 की पावर 1 होगा, क्लियर, यहाँ पर अगर आप लिखोगे तो यहाँ पर कितना होगा 4 की पावर 1, तो 4 की पावर 1 मतलब कितना होगा 4,
अब यहाँ पर क्या नंबर आना चाहिए, यहाँ पर आप नंबर कितना कहोगे, पांच। क्लियर है? अगर यहाँ पर आप पांच कहते हो तो पांच क्या हो जाएगा, इसी में से। ठीक है, यहाँ पर कितना होगा आपका पांच, अगर ये पांच है तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, क्योंकि आप पांच माइनस नो करोगे तभी तो क्या मिलेगा आपको, चार। ठीक है, हम माइनस प्लस नहीं देख रहे, केवल हम लोग क्या देख रहे हैं आपका यहाँ पे संख्या कौन सी आनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या रहेगा, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर सारे लोगों को? क्लियर, वेरी गुड, अगर सारे लोगों को क्लियर है तो। ठीक, पढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की और, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आ जाते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, ओके, आपका टाइम स्टार्ट होता है, क्वेश्चन सॉल्व करो, जितना जल्दी क्वेश्चन हो जाए फटाफट सॉल्व करते चल रहे हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, बराबर बनाओ क्वेश्चन, बना बनाओ क्वेश्चन। ठीक, जल्दी से क्वेश्चन बनाते चलो, देखो टाइमर एड करते हैं। ठीक है, ये रहा आपका टाइम। अब देखो ये अगर 0.5 से स्टार्ट है और 3 तक गया है, फिर 12 गया है, फिर 52 हो गया, फिर कितना हो गया, 1596 हो गया। क्लियर है? अब यहाँ पे बीच में क्वेश्चन मार्क है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मुझे एक ऐसा लॉजिक चाहिए देखो जिससे मेरा यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो हम लोगों ने लॉजिक क्या लगाया देखो, कि अगर मैं इसको करता हूँ, कितने गुना करता हूँ मैं आपके यहाँ पे, तीन का तीन गुना कर लेते हैं, और प्लस में क्या करता हूँ, तीन गुना। ठीक है, तो 3 × 9 + 3 कितना हो गया, 12। 12 का चार गुना करो, प्लस का चार करोगे 12 × 48 + 4 हो गए। ठीक, अब ये लॉजिक यहाँ पर फिट हो रहा है कि नहीं, ये चेक कर लेते हैं। तो ए 0.5 का आप दो गुना करोगे कितना हो गया, 1, और इसमें फिर से दो जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, 3। आई थिंक लॉजिक अब तो बिल्कुल करेक्ट है। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इंटू 5 करूंगा, प्लस में क्या करूंगा, 5। ठीक है, तो 52 का 5 गुना, 50 = 25, और 160 और 165, 265। ठीक है, तो और 265 कौन सा ऑप्शन में आपका यहाँ पे, 265 वाला आपका कौन सा ऑप्शन है, सेकंड वाला। तो 265 क्या रहेगा इसका, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर सारे लोगों को, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो 265 जो है इसका क्या है, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। अगर 265 करेक्ट है तो 265 को कन्फर्म और कर लो, 65 अगर यहाँ पर 5 गुना करोगे, ठीक है, 6 × 6 = 35, 6 + 6 करोगे 1596 हो जाएगा। क्लियर है? तो ये क्रॉस चेक भी आपको कर लेना थोड़ा सा कहीं पे। ठीक, तो हमारे पास में सेकंड वाला ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक, आ रहे बस हमने सारे बच्चों को, ठीक फटाफट क्वेश्चन बना चल रहा है, 8th वाला क्वेश्चन अभी स्टार्ट हो रहा है, बना बनाओ क्वेश्चन। ठीक, जितना जल्दी आप क्वेश्चन बनाओगे उतना ही क्या होगा, आपको फायदा होगा, जल्दी से बना चलो बस यार। क्लियर है? बनाओ बनाओ क्वेश्चन यार। देखो क्वेश्चन बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, ठीक है, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। ठीक है, ये रहा आपका टाइमर एड हो गया, आप क्वेश्चन की शुरुआत कर दो। अगर ये नंबर के बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं है तो मैं यहाँ पे क्या देखता हूँ, देखो कि 3.5 का मैं कितना गुना कर लूँ कि मुझे 6 मिल जाए। तो अगर आप कहोगे कि सर यहाँ पे 3.5 का आप दो गुना कर लेते हो, कितने गुना की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, कि अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि 3.5 का मैंने यहाँ पे क्या किया, दो गुना किया, और माइनस का मैंने कितना कर लिया आपका, 3.5 का दो गुना 1 और माइनस 1। ठीक है, तो हो गया आपका 6। अब यहाँ पर 6 का अगर मैं दो गुना करता हूँ, माइनस में कितना कर लूँ 2, तो ये 10 हो जाएगा, 6 × 12 माइनस का 2 10 हो। अब 10 का कितना गुना कर लिया हम लोग यहाँ पे, फिर दो गुना कर लो। ठीक है, आ रही समझ में सारे लोगों को? ठीक, देखो अगर मैं 10 का वापस से दो गुना करता हूँ, माइनस में 3 करता हूँ, 17 हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट में अगर आप यहाँ 17 से 23 में लाओगे तो कितना करोगे आपका, तो 17 दोनों कितना हो गया 34, तो 17 का दो गुना माइनस कितना करोगे आप, 4। ठीक है, हो गए कितना आपका 30। अब यहाँ पर क्या करोगे, 30 का दो गुना माइनस का 5, 30 दोनों 60 और माइनस 5 कितना होगा आपका यहाँ पे, 55 हो। क्लियर है बात सुन? तो अगर यहाँ पर 55 है तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में 55 दे रखा है, 55 क्या होगा, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। क्लियर है? आई थिंक सारे बच्चों को क्लियर हो गया। ठीक, कोई डाउट है? नो डाउट। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करते चल रहा है, रेलवे के लिए स्पेशल सेशन लेके आए हैं आज जो सेशन से, इसमें आप फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करते चलो। ठीक, अब इसके लिए आपका टाइम स्टार्ट होता है राइट नाउ, बना क्वेश्चन, जितना जल्दी करोगे उतना ही क्या होगा आपका, फास्ट कैलकुलेशन, बनाओ क्वेश्चन में क्या बनाते हो। क्लियर
बनाओ बनाओ क्वेश्चन, कितना जल्दी आप क्वेश्चन को बनाते हो यार, बनाते चलो क्वेश्चनों को। टाइमर एंड करें, चलो देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, क्या इनके बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं देख रहा है आपको? अगर डिफरेंस ज्यादा नहीं है तो हम लोग यहाँ पे डिफरेंस कैलकुलेट करें। तो देखो फर्स्ट में कितने का डिफरेंस हो गया आपका यहाँ पे, तो तीन और चार में आप कहोगे सर एक का डिफरेंस है, चार और आठ में कितने का डिफरेंस है, चार का है, और आठ और सत्रह में कितने का डिफरेंस है, तो ये नौ का डिफरेंस हो गया। तो यहाँ पर कितने का डिफरेंस हो रहा है, ये सोलह का हो गया। तो नेक्स्ट में आप कहोगे सर ये तो एक का स्क्वायर, दो का स्क्वायर, तीन का स्क्वायर, चार का स्क्वायर, तो पांच का स्क्वायर कितना होगा, पच्चीस होगा। तो तैतीस और पच्चीस कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, पांच तीन कितना हो गया आपका आठ हो गया, ठीक है, और तीन हो तो पांच अट्ठावन हो गया। तो अट्ठावन कौन सा ऑप्शन में आपका यहाँ, फर्स्ट वाला ऑप्शन में बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। तो अट्ठावन क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, कोई डाउट है क्या सारे लोगों को? ठीक, अट्ठावन क्या होगा, बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक, लास्ट वाला एक क्वेश्चन और सॉल्व करवाते, दस क्वेश्चन सिचुएशन में लिए गए थे। ठीक, इस वाले क्वेश्चन पे और आ जाओ, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये आपका टेंथ वाला क्वेश्चन, आई थिंक हो सकता है नेक्स्ट में और मैं क्वेश्चन लेके आता हूँ आपके लिए। ठीक है, पर फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करते चल रहे, बनाओ बनाओ क्वेश्चन को यार, जितना जल्दी क्वेश्चन बनाओगे उतना ही क्या रहेगा आपका करेक्ट हो जाएगा आंसर, फटाफट बना दे चलो यार। बनाओ बनाओ, ये क्वेश्चन ऑलरेडी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है यार, आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए इसका पैटर्न क्या लिखा गया है क्या नहीं लिखा गया, ये एक सिंपल ही क्वेश्चन है, जल्दी से बनाते चलो बस। ये नंबर देखो किसके स्क्वायर है, क्यूब के पास है, बस इतना आप सॉल्व करोगे जिसमें आपका क्या हो जाए क्वेश्चन पास आए। ठीक है, तो टाइमर एंड करते हैं, देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया देखते, देखो आप क्वेश्चन में क्या देख रहे हो कि ये जो 30 लिखा गया ये क्या है आपका यहाँ पे, इसको अगर मैं लिखूं तो ये 30 जो है मेरे पास यहाँ पर क्या है, तीन का क्यूब प्लस का कितना लिखा है तीन, कोई डाउट है क्या किसी को? ठीक, नेक्स्ट वाले ये एक सेट है, ये क्या है आपका चार का क्यूब माइनस का कितना लिखा है तीन, ठीक है। अब ये 28 से क्या है आपका पांच का क्यूब और प्लस का कितना लिखा है तीन है। अब इधर अगर आप देखते हो तो यहाँ पर क्या होगा आपका यहाँ पे, तो ये क्या होगा आपका दो का क्यूब और यहाँ पर क्या होगा माइनस में तीन, क्योंकि प्लस माइनस हो रहा है अल्टरनेट में, ठीक, किसका आपका तीन का। अब यहाँ पर देखोगे तो ये क्या होगा आपका एक का क्यूब प्लस में क्या होगा तीन, तो ये पैटर्न होना चाहिए। अगर ये पैटर्न है तो नेक्स्ट में क्या लिखोगे आप लोग यहाँ पर छः का क्यूब माइनस में कितना लिखोगे तीन, तो छः का क्यूब कितना होता है 216, तो 216 में तीन माइनस करोगे 200 क्या हो जाएगा 13, तो 213 वाला जो ऑप्शन रहेगा वही करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर फोर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 213 क्या है इसका करेक्ट आंसर, क्लियर है ये बात सबको समझा रही, 213 क्या होगा बिल्कुल ही ठीक, क्लियर सारे लोगों को क्लियर है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर, फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक, ये रहा आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन और सॉल्व करो, इसके लिए आपका टाइमर स्टार्ट होता है राइट ना, बना है जल्दी, जितना जल्दी आप क्वेश्चन बनाओगे उतना ही क्या होगा इजीएस्ट होगा, पर बना दे चलो बस क्वेश्चन को, मेरा ये कहना है आपका। ये क्वेश्चन में बहुत सिंपल सा पैटर्न है, जितना आप सिंपल समझ रहे हो इस क्वेश्चन को देखने में बहुत हार्ड लग रहा होगा पर बहुत सिंपल है। ठीक, बनाओ जल्दी इस क्वेश्चन भाई, 2 से 10 सेकंड का क्वेश्चन होना चाहिए आपका, बना चलो यार जल्दी जल्दी क्वेश्चन बनाओ। बना रहे हो क्वेश्चन, करो यार क्वेश्चन, जितना जल्दी आप क्वेश्चन बनाओगे उतना ही क्या होगा आपको एग्जाम में फाइट करने में बहुत हेल्प होगी, बना चलो यार जितना जल्दी करो उतना फास्ट। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन के आंसर पर, देखो अब अगर आप इन क्वेश्चन के में देखते हो तो क्या दे रखा आपको, देखो ये सीरीज जो दे रखी है ये 61 फिर 52 फिर 63, तो इस तरह का अगर आपको दे रखा है तो इनमें तो मुझे कुछ पता चल नहीं रहा है कि 61 क्या सिस्टम है, 52 क्या है, 63 क्या है, 94 क्या है, 46 कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है। तो मैं इसका एक लॉजिक और देखता हूँ, इस एक लॉजिक में क्या दे रखा है, अगर 61 को आप लिखोगे यहाँ पर उल्टा करके कैसे लिखोगे 16, इसको क्या लिख सकते हो आप 25, इसको क्या लिखोगे 36, इसको क्या लिखोगे आप 49, इसको क्या लिखोगे आप लोग यहाँ 64। तो अब तो आपको समझ में आने लग गया कि यहाँ पर क्या लिखा है, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है, तो नेक्स्ट में क्या लिखोगे 9 का स्क्वायर, और 9 का स्क्वायर कितना होगा आपका 81 को उल्टा करके लिखोगे तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप 18। क्लियर है इन बात सभी को, अगर यहाँ पर आप लिखोगे तो कितना लिखोगे इसको 18। ठीक, आ रही बात समझ में सभी लोगों को, तो अगर आप लिखना चाहोगे यहाँ पर कितना लिखोगे आप 18, अगर यहाँ पर 18 लिखोगे तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या होगा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक,
ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है इसका करेक्ट आंसर, 18 क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट, ठीक, गो डाउट, ठीक, बढ़े नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आ जाओ, ये रहा आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, जल्दी जल्दी करो यार क्वेश्चन, जितना जल्दी आप करोगे उतना ही फास्ट आपका कैलकुलेशन होगा, बना बनाओ जल्दी। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको SBI की सीरीज में करवाया था, पर वहां पे क्वेश्चन अलग था, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, पर बनाओ आप जल्दी जल्दी, बना चलो यार क्वेश्चन को, बनाओ क्वेश्चन, देखो मैंने पहले कहा था संख्या बढ़ने के बाद अगर घटने लग जाती है तो क्या होता है आपका हाफ पैटर्न सीरीज होता है, अगर ये क्वेश्चन आप देख रहे हो तो ये किसका आपका, ये हाफ पैटर्न सीरीज का ही क्वेश्चन, क्लियर बात सबको, तो ये कौन सी सीरीज होगी आपकी, हाफ पैटर्न हो सकती है, अब हाफ पैटर्न सीरीज है तो आप सॉल्व करो यार हाफ पैटर्न कैसे है, क्लियर, बस बना चलो, ठीक, देखते देखो अगर ये हाफ पैटर्न की सीरीज है, मैंने यहाँ पे क्या किया, इसमें 0.5 का इंटू क्या स्टार्टिंग से, तो अगर आप लोग यहाँ पे देखते हो 6 इंटू में कितना हो गया आपका 0.5, मतलब कितना हो गया 3, प्लस में 1 करोगे कितना होगा आपका यहाँ पे 4 होगा, क्लियर, अब फिर सॉल्व करोगे 4 का कितना गुना हो गया आपका 1, और प्लस में फिर से कितना कर रहे हो आप लोग 1, 4 एकम 4 और 1 कितना हो गया आपका यहाँ पे 5, कोई डाउट है क्या कितना होगा आपका नेक्स्ट में यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 5, क्लियर है, 4 एकम 4 और 1 कितना हो गया आपका 5, अब आगे सॉल्व करते देखो, आगे सॉल्व क्या कर रहे हो आप लोग यहाँ पे, तो 5 इंटू में कितना लिखोगे इसको यहाँ पे 5 दो नहीं 10, प्लस में क्या करोगे आप 1, तो कितना हो गया यहाँ पे आपका 11, अब नेक्स्ट में अगर आप देखते हो तो 11 का मैं कितना गुणा कर लेता हूँ आपका 11 चुक 44, 3 गुणा करो 11 33 और 39, तो आप तो ऑप्शन में आने रहे, आप क्या करें, ठीक है, अब तो बिल्कुल ही करेक्ट हो गया, इनकरेक्ट, क्लियर है सारे लोगों को, आ रही किन बात समझने, क्लियर, आई थिंक कुछ लोगों को क्लियर नहीं, तो 11 44 और यहाँ प्लस अगर 1 कर दो तो यहाँ पर कितना होगा अब तो 45 होगा, क्लियर, तो ये वाला ऑप्शन तो है नहीं, क्लियर है बात सभी को, अगर ये वाला नहीं है तो फिर क्या है आपका यहाँ पर वो और देख लेते हैं, अगर ये नहीं है तो फिर देखते चेक करते देखो क्या होता है आपका यहाँ पे, आप देखो ये 6 लिखा है 4 लिखा है, तो मैं यहाँ पे इसको क्या लिख सकता हूँ आपको यहाँ पे, इसको आप कहीं ना कहीं ऐसा लिख सकते हो कि 6 का 1 गुना, ठीक है, मतलब आप इसको क्या लिखोगे आपका यहाँ पे 6 का 1 गुना, ठीक है, तरह से लिखो आप, देखो ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, इसको आप सॉल्व करोगे तो 6 का 1 गुना माइनस का 2, ठीक है, 4 का कितना है आपका यहाँ पे 2 गुना माइनस का कितना हो गया 3, ठीक है, आर्य वसन, अब आगे सॉल्व करते हैं 5 का कितना गुना हो रहा है, तो 5 का ये कितना है आपका यहाँ पे 2 गुना, क्लियर है, और सॉरी 5 कितना 3 गुना, सॉरी देखो 5 कितना है 3 गुना माइनस कितना हो गया आपका 4, ठीक है, ये बात सबको क्लियर हो रही है, क्लियर है कि नहीं भाई, ये बात सबको क्लियर है, ओके नेक्स्ट में देखते देखो, अब ये कितना है 11 का आप इसका कितना करो 11 44 माइनस कितना करोगे 5, क्लियर है, तो कितना हो गया 39, अब आगे अगर आप सॉल्व करते हो तो ये कितना इसका 5 गुना माइनस में क्या करोगे 6, तो 39 का 5 गुना करो तो 39 का 5 गुना कितना होगा 9 5 45 का 5, 5 में से 6 गए तो कितना बचेगा आपका लास्ट में 15 में से 6 गए तो 1, ठीक है, मतलब ये क्या होगा आपका यहाँ पे देखो कि 39 इंटू में कितना करोगे आप 5 और माइनस में क्या करोगे 6, तो अगर आप इसको इस तरह सॉल्व करते हो तो क्या होगा आपका यहाँ पे, तो थोड़ा सा सॉल्व करवा देता हूँ, ठीक है, देखो माइनस कितना होगा 6, तो 5 और 9 मतलब कितना हो जाएगा डायरेक्टली कर दे क्या, ठीक है, देखो 3 5 15 मतलब 150 भी हो गए और 9 5 45 ही हो गए, तो कितना हो जाएगा आपका 195, माइनस में कितना लिखोगे आप लोग 6, तो यहाँ पर कितने 189, कोई डाउट है क्या, तो ये वाला ऑप्शन कौन सा रहेगा आपका थर्ड वाला, तो 189 क्या होगा यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट होगा, तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है सभी लोगों को, ठीक आ रहे बस, देखो हाफ पैटर्न सीरीज का नहीं हो सकता था पहले, मैंने आपको 100% श्योर नहीं कहा था कि वही हो सकती है, पर आपका आंसर क्या होगा अगर आ जाता है उससे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो नेक्स्ट में दूसरा पैटर्न सर्च करो, बढ़ते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ठीक ये रहा आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, टाइमर ऑन हो गया है, आप क्वेश्चन को सॉल्व करो, फटाफट कर रहा है, जितना जल्दी हो जाए क्वेश्चन करते चलो, बना बनाओ क्वेश्चन, देखते आप क्वेश्चन में क्या बनाते हो, क्या आंसर लेके आते हो, तो सीधी सी बात है आप डिफरेंस कैलकुलेट करो यार, सबसे पहला मेरा टारगेट होता है डिफरेंस कैलकुलेट किया जाए, क्यों, क्योंकि नंबर क्या है बहुत ही पास के नंबर है, अगर नंबर पास के हैं तो आप डिफरेंस कैलकुलेट करना ना भूलो, बनाओ क्वेश्चन को जल्दी से, बना रहे सारे लोग, बनाते चलो बस जल्दी करो,
बहुत सारे बच्चे तो बहुत अच्छा सॉल्व करते हैं यार, फास्ट कैलकुलेशन। चलो टाइमर एंड करते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है कि आपको यहाँ पे तीन और छह डिफरेंस कैलकुलेट करो, तो यहाँ पर कितने का डिफरेंस हो रहा है आपका तीन का, क्लियर है। यहाँ पर आप देखते हो तो यहाँ पर डिफरेंस कितने का आपका यहाँ पे तीन का, यहाँ पर डिफरेंस कितने का हो गया छह का, यहाँ पर डिफरेंस कितने का आपका यहाँ पे दस का, कोई डाउट है क्या? ठीक, अब नेक्स्ट में अगर इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर डिफरेंस कितना हो गया बाईस, और ये कितना हो गया आपका यहाँ पे तो पंद्रह का, क्लियर है, बाईस और पंद्रह। अब नेक्स्ट में यहाँ पे सॉल्व करोगे तो यहाँ पर कितना हो गया एक, और यहाँ पर कितना हो गया आपका दो इसका। अब इन नंबर से मुझे कुछ पता चल रहा है क्या? नहीं चल रहा है। अगर इनसे मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा है तो एक बार डबल डिफरेंस और कैलकुलेट करो। तो छह में से तीन का कितना बचेगा आपका यहाँ पे तीन, यहाँ पर कितना बचेगा आपका चार, और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका ये पांच। ठीक है, तो नेक्स्ट में कितना होगा आपका यहाँ पर, ये कितना होगा आपका छह, तो यहाँ पर कितना होना चाहिए आपका सात। अगर यहाँ आप सात होगा तो यहाँ पर कितना होगा आपका अट्ठाईस, क्लियर है, आ रहे में। अगर यहाँ पर ये आपका नेक्स्ट में कितना है आपका सात, तो यहाँ पर कितना होगा अट्ठाईस। अगर यहाँ पर अट्ठाईस, अट्ठावन और अट्ठाईस, अब कितना होगा आठ और आठ कितना हो जाएगा सोलह, सोलह कितना होगा छह, और यहाँ पर कितना होगा छियासी। तो छियासी कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सेकंड में, दो वाला जो ऑप्शन होगा ये क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। क्लियर सारे लोगों को, बहुत अच्छी बात है, क्लियर है। तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे और आ जाओ भाई। क्वेश्चन में फटाफट इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि इनमें कोई ज्यादा दम नहीं है, जितना जल्दी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ही आपका फास्ट कैलकुलेशन। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाओ, 13 क्वेश्चन हो गया, नेक्स्ट वाला 14th वाला क्वेश्चन। आपका टाइमर स्टार्ट होता है राइट नाउ, बनाओ जल्दी, जितना जल्दी बनाते हो। कितना जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, इस क्वेश्चन में केवल 10 सेकंड का क्वेश्चन, 10 सेकंड से ज्यादा आपका टाइमर नहीं लगना चाहिए, ठीक, एज अकॉर्डिंग टू मी। बना दे, चलो बनाओ बनाओ क्वेश्चन जल्दी से, टाइमर एड होने पर है, फटाफट करो यार, हो रहा है क्वेश्चन। चलो देखते हैं क्वेश्चन का आंसर क्या रहा, ठीक। अब अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, देखो आठ फिर चार, चार आठ फिर बत्तीस फिर क्वेश्चन मार्क, तो आपने क्या देखा यहाँ पर, अगर आप इसमें देखते हो तो ये इंटू कितने का हो रहा है आपका यहाँ पे 0.5 का, क्लियर है। अगर आप इसमें देखते हो तो आपने इंटू कितने किया आपका यहाँ पे, तो ये आपने इंटू किया है कितने का 0.5 का, आधे का, तो कितना हो गया चार। अब चार का कितना गुना है एक गुना, अब फिर चार का कितना है दो गुना, फिर चार का कितना है चार गुना, अब यहाँ पे चार का अब नेक्स्ट में कितना होगा ये आठ गुना होगा, कि देखो डबल होता जा रहा है, क्लियर। अब आठ गुना करोगे तो आठ दुनिया कितना हो गया सोलह, सोलह कितना होगा छह, एरिया कितना आपका वन, और आठ की चौबीस और एक कितना होगा आपका पच्चीस, बत्तीस आठ दो सौ छप्पन, ऑप्शन नंबर फोर क्या होगा करेक्ट होगा, दो सौ छप्पन किसमें आपका यहाँ पे फोर्थ वाले क्वेश्चन, ठीक। सारे बस सारे लोगों को बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा कितना 256 बन रहे सारे लोगों से। देखो पैटर्न आपको पहचान में आना चाहिए, आपका ऑब्जर्वेशन बहुत फास्ट होना चाहिए, अगर ऑब्जर्वेशन बहुत फास्ट है तो आप क्वेश्चन को वैसे उड़ा दोगे, ठीक। हो गया, एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। ये रहा आपका सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को और सॉल्व करो, ठीक। इसके लिए आपका टाइमर स्टार्ट होता है राइट, बनाओ जल्दी इस क्वेश्चन को, जल्दी से बनाते चलो, क्या रहेगा आपका आंसर। बनाओ बनाओ क्वेश्चन, बनाओ यार क्वेश्चन, हो गया क्वेश्चन, बना लिया सारे लोगों ने। चलो ठीक है, टाइमर एंड करते। देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया, ये क्वेश्चन की सीरीज क्या है, 30 30 60 20 80 और 16। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे 30 से 30 मतलब क्या हो गया, 30 और 30 अगर जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, 30 और 30 जोड़ो कितना आएगा आपका 60 आएगा, 60 में 20 जोड़ा कितना हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा, क्लियर है। अब 80 में 20 जोड़ोगे कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, देखो आप नेक्स्ट में अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये मैं इस तरह से कह रहा हूं आपको, देखो 30 और 30 का कितना हो गया आपका 60, ठीक, अरे वसन 60 और 20 कितना हो गया आपका 80, क्लियर। अब आगे देखते, देखो अब नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे सॉल्व करोगे तो 80 और 16 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, 80 और 16 हो जाएगा कितना आपका यहाँ पे 90, क्लियर है बस सभी को, आ रहे बस मन में। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो प्रीवियस वाली संख्या में हम लोगों ने नेक्स्ट वाली संख्या क्या क्या जोड़ा हुआ है। अगर 96 आपका ऑप्शन कौन सा आपका फोर्थ वाला, ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या होगा आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, 96 इज करेक्ट आंसर, क्लियर है।
आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था, नेक्स्ट वाला सेशन मैं कल लूंगा। इसके ऊपर एक और रेलवे के इस पर एक स्पेशल सेशन और लेने वाले हैं हम लोग, ठीक। दो सेशन काफी हैं। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अलावा आप हम लोगों को ये भी बताएं कि आपको मैथ्स में कहाँ प्रॉब्लम है, कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट का वेट रहेगा, ठीक। तो आज के सेशन को एंड करते हैं, मिलते हैं कल नए वाले सेशन में कुछ नए क्वेश्चन और कुछ नई एनर्जी, ठीक।